भाभी, हम 50 लाख के बगैर गांव वापिस कैसे जाएंगे? बर्बाद। अरे आपके 50 लाख कहीं नहीं गए हैं। ये देखो आपके 50 लाख जो है आ गए। हमारी राशि में भविष्यवाणी हुई थी कि अकस्मात पैसा आएगा, लेकिन फिल्म से आएगा ऐसा लिखा था। भाभी आप सब चिंता मत करो, ठीक है, हम जाते जाते सबको 100-100 रुपए दे के जाएंगे। देखो शुरू हो गया हमारा राशि वाला प्रोग्राम। जय श्री राम। पंडित जी आ गए। नमस्कार पंडित जी, नमस्कार पाई लागू। पंडित जी बस अब जल्दी जल्दी ये बता दीजिए कि आज का दिन हमारा कैसा जाने वाला है। अरे चाची जी, आप तो ऐसे बात करें जैसे पंडित जी टीवी में से निकल कर आपसे बात करेंगे। अरे करेंगे बिटिया रानी, करेंगे। आए? अभी फुनवा लगाएंगे तो एकदम डायरेक्ट बात हो जाएगी। हा? क्यों कुकू? आज आपके परिवार के लिए एक खुशखबरी है। अरे वाह। अगर आपके परिवार में जिस व्यक्ति का रा अक्षर से नाम शुरू होता है, आज वो जो भी सपना देखेगा वो सच हो जाएगा। ऐसा? अरे लेकिन रा अक्षर नाम से हमारे घर में कौन है? मेरा तो नाम नी से आता है। हाँ। अरे नी से नहीं होता बेटा, वो न से होता है। कैसे न से कहते हैं? मेरा नाम नराली नहीं निराली है। हाँ ठीक है, पता है पता है। काश हमारा नाम रा से शुरू होता तो हम सपने देख के अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर लेते। अरे हाँ, हमारे रवि भैया का तो नाम रा से शुरू होता है। हाँ, अरे हाँ, रविंद्र। चलो चलो ऐसा करते हैं कि जल्दी जल्दी रविंद्र के पास चलते हैं और अपने अपने दिल की जो इच्छाएं हैं ना उनको जल्दी से बता देते हैं ताकि वो उसका सपना देखे और हमारी इच्छाएं सच हो जाएं, हैं? चलो। नहीं, पहले मैं अपनी इच्छा बोलूंगी क्योंकि मैंने रवि भैया का नाम याद दिलाया है। अरे लेकिन पहले हम बताएंगे भाई, हमने पहले ये राशि फल लगाने के लिए तो हमने कहा था ना बिटिया। नहीं नहीं नहीं, मैंने रिमोट से पहले टीवी ऑन किया था तो मैं सपना दिखाऊंगी उनको। अरे लेकिन तुम छोटी हो, हम बड़े हैं, बड़ों को कुछ मान देना चाहिए। पहले हम बताएंगे बाद में तुम बताना। अरे तो छोटे होते हैं तो छोटों की तो बात माननी चाहिए ना। ऐसा कैसे होता है? ऐसे ऐसा नहीं होता है भाई। रविंद्रनाथ, ओ रविंद्रनाथ, रविंद्रनाथ। दादाजी देखा उल्लू बना दिया ना। भागती की नहीं, बहुत मार मारूंगा भाग यहाँ से। यार अच्छा खासा सो रहा था, जगा दिया मेरे को। जाओ देखो घोड़े बेच के सोया होता। रविंद्रनाथ, ओ रविंद्रनाथ, रविंद्रनाथ। निराली परेशान मत कर, बोला ना जा मुझे मारूंगा। अरे दादाजी, दादाजी जूता क्यों दिखा रहे हो? गलती हुई तो माफ कर दो ना दादाजी। अरे जाके मोची को दिखा ये जूता। मोची को? उसका क्या कसूर है? 2 महीने पहले उसने ठीक किया था, फिर से मुंह दिखाना शुरू कर दिया इसने। देखो कैसे मुंह खोला है। तो मुंह खोल दिया तो आप बात कर लीजिए ना इससे। क्या बकवास कर रहा है? सही कह रहा है, वैसे भी इस घर में मुझसे तो कोई बात करता ही नहीं है। आप किसको बात करने देते हो दादाजी? और चुप कर। देखो फिर शुरू हो गया आप। शुरू हो गया तो चले चल, जब मोची वाला जूता ठीक करा, गधा कहीं का गेंडा हो गया, सोते ही रहता है। सुबह सुबह जगा दिए, अभी तो मोची का दुकान भी नहीं खुला होगा। कितना रोमांटिक मौसम। चलो अपने प्यार के सपनों में खो जाए। अरे सपनों के बारे में बताने के लिए तो मैं यहाँ आई हूँ। क्या तुमने मेरे बारे में सपने देखना शुरू कर दिया? अरे बाबा नहीं, इनफैक्ट मैं तो ये कह रही हूँ कि रवि भैया को हम दोनों के बारे में सपना देखना चाहिए। ये रवि भैया बीच में कहाँ से आ गए? ऐसा मत बोलो, आपको पता है ज्योतिषी ने कहा है कि रवि भैया जो भी सपना देखेंगे वो सच हो जाएगा। ओ, अच्छा? और इसीलिए घर के सारे लोग उन्हें अपना सपना दिखाना चाहते।
चलो हम भी रवि भैया से कहते हैं कि हमारा सपना देखे। लेकिन मेरा सपना तो तुम हो। धत्तेरी, अरे मुझे तो आप रोज ही देखते हो, कोई और सपना देखो। ये आंखें हो जाए अंधी उसी रात जो देखें सपना किसी और का। अरे बाबा, ये शायर बनने का टाइम नहीं है, सपने सच करने का टाइम है। मैं तो जाकर उन्हें अपने प्यार के सपने देखने के लिए कहती हूँ। और मैं जाकर उन्हें तुम्हें टोली में बैठा के ले जाने वाला सपना देखने को कहता हूँ। सच? मुझ कहो तो मैं अपने बच्चों के बारे में भी सपना देखने को बोल दूँ? अरे पहले शादी तो हो जाने दो, बिना शादी के बच्चे। हाँ ये भी बात सही है, तुम्हारे प्यार में इतना अंधा हूँ कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक्चुअली क्या है कि मेरे घर वाले तो आपको ज्यादा पसंद करते नहीं, जैसे तैसे बस आपको सहन करते हैं। तो रवि भैया हमारी शादी का सपना क्यों देखेंगे? एक काम हो सकता है, मैं उनको जाके बोलता हूँ कि मेरी शादी का सपना देखे, और तुम जाके सेपरेटली उनसे बोलो कि तुम्हारी शादी का सपना देखे, तो वो मुझे दूल्हा बना हुआ देखेंगे और तुम्हें दुल्हन। दूल्हा एंड दुल्हन हम हो गए, तीसरा कौन बीच में आएगा, राइट? अरे वाह मेरी जीनियस, क्या आइडिया निकाला है, ऐसी थोड़ी ना मैंने तुम्हें पसंद किया। चलो रवि भैया के पास चल के अपने सपने देखने के लिए बोलते हैं, ठीक है? यस चलो। ये मैं क्या कर रहा हूं? नो 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 नो, कुकु से मेरी शादी तो हो ही जाएगी यार अगर मैं अमीर बन गया तो मैं रवि से अपने आप को अमीर बनाने का सपना देखने को बोलता हूँ। इसी बहाने मुझे मेरा घर भी वापस मिल जाए। आज मेरा सपना होगा पूरा, आज मेरा सपना, आज मेरा सपना। ओ बेटा बेटा कहाँ जा रहा है? दादाजी का जूता बनवाने जा। जा बेटा जा। अरे रुको, अरे इधर आजा बेटा, इधर आजा। देख मेरी बात मान, बैठ बैठ बैठ। डैडी अरे बैठ, तो ये जूता मुझे दे। देख देख तू सो जा और सोने के बाद सपना देख कि मेरे बहुत सारे स्कूल हैं, कॉलेज हैं, करोड़ों रुपया है, यानी कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूँ। बेटा तू ये सपना देख, आजा सो जा सपना देख, सपना देख मेरे लाल। अरे दादाजी का जूता, अरे दादाजी के जूते को मारा जूती। आजा बेटा मान जा, सो जा, देख ले बेटा सपना देख, सपना मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी, वाह मेरे सपने तू पूरे करेगा बेटा, हाँ तू, वाह मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी। सो गया? हाँ हाँ। सपने में क्या देखना है, ये मुझसे जाने बगैर ही सो गया? अरे सपने वाली बात आपको कैसे पता चली? हाँ क्यों पता नहीं होगी, चाचा हूँ उसका मैं। अरे चाचा हो तो जैसे आयो वैसे ही चले जाओ। ऐसे कैसे चले जाओ, भतीजा है मेरा। अरे ऐसे कैसे, बेटा है वो मेरा। तो जो हम चाहेंगे वो सपना देखेगा। अरे ऐसे कैसे, मेरा बेटा जो मैं चाहूंगा वैसा सपना देखेगा। नहीं नहीं नहीं, हम जो चाहेंगे वो ही देखेगा। अरे, 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 नहीं नहीं नहीं, क्या हो गया? मैंने सपना देखा दादाजी का कुर्ते पे खून। करमवीर चौबे के कुर्ते पे खून, और ये खून का निशान आएगा खून करने से, वो करेगा खून और जाएगा जेल, वो जेल जाएगा और यहां उसका परिवार बिखरेगा, यहां परिवार बिखरेगा और मेरा होगा कब्जा मेरे अपने घर। लेकिन ये चौबे खून करेगा कैसे? मुझे इसके कुर्ते में एक चाकू रखवाना होगा,
और ऐसे हालात पैदा करने होंगे जिससे इसे गुस्सा आए और ये गुस्से में मरा करते हैं। क्या बात है, कश्मीरी सेब सड़ा हुआ टमाटर कैसे लग रहा है? वो सजनवा है ना, क्या किया उसने? इसी बात का तो दुख है, वो कुछ करता ही नहीं है। बागवानी करने को कहा था मैंने, लेकिन कोई ना कोई बहाना बनाकर भाग जाता है। कभी कहता है तसला नहीं है, कभी कहता खुरपी नहीं है, कभी कहता झाड़ू नहीं है, लेकिन मैं भी उसका सेठ हूं। आज मैंने सारे सामान बगीचे में रख दिए हैं, एक ये खुरपी बची है, ये भी रखने जा रहा हूं। बाद में बात करता हूं, बिजी हूं इस समय। ये करमवीर चौबे को इतना गुस्सा सजनवा पे, इसका मतलब इस गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं और रवि का सपना भी सच हो सकता है। ये मूर्ख सजनवा ठहरा मुंह फट, कुछ भी बोलेगा, चौबे से बहस करेगा और चौबे को आएगा गुस्सा। गुस्से में इंसान कुछ भी कर जाता है, तो क्यों ना इसके कुर्ते में एक चाकू रख दिया जाए। वो चाकू ढूंढेगा, चाकू मिलेगा और सजनवा पे हमला करेगा और खून के इल्जाम में जेल जाएगा। मुझे नींद ना आए, हो मुझे नींद ना आए, मुझे चैन न जा। मालिक आप यहाँ? ये सवाल तो मैं भी तुझसे कर सकता हूँ। हाँ तो पूछिए ना, हम जवाब देंगे आपको। हाँ तो दे ना। हाँ तो आप पूछिए ना। अब आप पूछेंगे सजनवा तू यहाँ, तो हम कहेंगे क्या बात है, हमारा तो यहाँ काम है, दिन भर घूमते रहते हैं। फिर तो तू मेरे काम कर सकता है। अब लीजिए, अब हर दिन माफी का काम करते हैं तो ये कौन काम है? नहीं नहीं, वो काम कुछ अलग है। कैसा काम? मत मारिए, हम कल से यहाँ घूमेंगे नहीं, नहीं घूमेंगे, नहीं घूमेंगे, एकदम नहीं घूमेंगे। 1,000 रुपया यहाँ नहीं घूमने के लिए? क्या बात है, कैसा कमाल करते हैं। अबे उसके लिए नहीं है, ये उस अलग काम के लिए। अरे तो किस काम के लिए है? आपका हम काम करते हैं, काम का तो पगार देवे नहीं करते हैं, और इसके लिए का ऐसा काम है जो 1,000 रुपया दे रहे हैं आप? मेरी करमवीर चौबे से एक शर्त लगी थी कि मैं उनको बिना पता लगे उनके कुर्ते में ये चाकू रख दूंगा। अच्छा, लेकिन जिस कुर्ते में रखना था उन्होंने वो पहन लिया, और अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि उसी कुर्ते में चाकू कैसे रखूं। देख, तू अगर किसी भी तरह ये चाकू उस कुर्ते में रख दे, अपना दिमाग चला के जो तेरा चलता नहीं, तो ये 1,000 का नोट तेरी जेब में जा सकता है। सच? तो ये तो हमारा बायां हाथ का खेल है, समझिए आपका काम हो गया। तो पकड़ बायां हाथ में चाकू। हाँ। और कर देगा। अब देखिए, अब यहां से हम फटाक जाते हैं और जा करके ये चाकू उनके मारना नहीं है, जेब में रखना है। क्या बात करते हैं, मार के कोनो हमको फांसी पे चढ़ना है, हम हाँ। भी जेब में ही डालेंगे, पूरा तो सुनिए। जाओ, अभी नहीं मिलेगा। अबे चुप। बेचारा अपनी ही मौत का बंदोबस्त करने गया है। सुबह से ढूंढ रहे हैं हम तुम्हें, कहां पे थे? मालिक हम भी आपको सुबह से ढूंढ रहे थे। क्यों,
हमने तुमसे कोई पैसा उधार लिया जो भाग जाएंगे? मलिक, अब पैसा लेके भाग भी जाइएगा तो क्या होगा? हमारा दिल से तो नहीं भाग सकते हैं, हमारे दिल में हमेशा आप बने रहेंगे मालिक। बड़े दिल की बात कर रहे, कहीं किसी से दिल तो नहीं लगा बैठा? हाँ मालिक। किससे? आइए मालिक बैठिए, बताते हैं। बैठिए। अच्छा, हाँ तो बता, चप्पल लेकर आया अंदर? हाँ तो बताओ किसे दिल लगा बैठे? आपसे। ज्यादा दोस्ताना होने की जरूरत नहीं है। हम ना आपसे ज्यादा दोस्ताना नहीं करना चाहते हैं। फिर का है, आज ना हमको हमारे बाबूजी की बहुत याद आ रही है। अब तो वो रहे नहीं, यहाँ इस घर में पिताजी के समान आप ही मालिक। अगर हम आपके थोड़े पैर दबा लेंगे ना, तो हमको हमारे बाबूजी के पैर दबाने का एहसास हो जाएगा। आप अपना थोड़ा पैर दबाने दीजिए ना। ये तो पैरों में दर्द है नहीं, मगर तुम्हें भी एहसास चाहिए अपने बाबूजी का, तो थोड़ा दबा लो। पैर कहा ना तुमने बेटा, टांग है ये पैर, यहाँ से शुरू करो। अब इस टांग पे हाँ। इस टांग पे नीचे थोड़ा सा यहाँ पे हाँ पसली के आए। अरे मालिक, आप हमको अलग काहे कर देते हैं? बेटा बाप का एहसास चाहिए कि नहीं? हाँ। करो। रुक क्यों गया, कर। अब एहसास हो गया मालिक? मुझे एहसास नहीं हुआ इस पे। करो करो, शाबाश, अच्छा लग रहा है मेरे को। अच्छा तो लगेगा ही मालिक। हाँ, लेकिन मेरे को अब एहसास पूरा हो गया मालिक। मेरे को नहीं हुआ ना, ज्यादा बातें कर रहा है, कम बातें कर, यहाँ शुरू कर। क्या बोल रहा है? नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं मालिक। बोले एहसास मिल गया हमरा। हाँ एहसास हो रहा है। हाँ। ये भी दबा दे। गर्दन दबा दो। क्या बोला? नहीं नहीं कुछ नहीं मालिक, आपका पीठ दबा दे, यही बोल रहे थे। अच्छा, अच्छा हो तो गया, अब जरा पीठ भी करते थोड़ी सी, अच्छा लगे हाथ। अब तो हो गया मालिक। हुआ तो नहीं है वैसे, चलो कोई बात नहीं। हाँ, हमारा भी काम हो गया मालिक। हो गया ना? हाँ, मालिक। चलो अच्छी बात है, मेरा भी काम हो गया। और हाँ सुनो। हाँ? वो सीधा बगीचे जाना, वहां मैंने सारा सामान रखा है। हाँ? अब अगली बार कोई बहाना नहीं चाहिए। ठीक है मालिक। ठीक है, जा जा। कल आ जाना है, इसी तरह मालिश करें। आगे से चप्पल बाहर रख के आया करो। कि आज आपकी राशि में लिखा हुआ है कि आप घर से बाहर जाएंगे तो आपकी जान को खतरा है टर्न और ट्विस्ट के साथ। इतनी बार कह चुका हूँ कि मैं इस राशियों पर विश्वास नहीं करता। पाऊ जी आप बाहर नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा सकते भाई? हम बताते हैं, इसलिए नहीं जा सकते कि आज आपकी राशि में लिखा हुआ है कि आप घर से बाहर जाएंगे तो आपकी जान को खतरा है टर्न और ट्विस्ट के साथ। इतनी बार कह चुका हूँ कि मैं इस राशियों पे विश्वास नहीं करता। नहीं नहीं, लेकिन हम तो आपको बाहर जाने ही नहीं देंगे। अरे बाबूजी, टीवी में आया, अखबार में आया, आज आपकी राशि में ठीक नहीं लिखा हुआ। मैं फिर भी जाऊंगा, चाहे नंगे पांव जाऊंगा, जाऊंगा जाऊंगा। कर लो, क्या कर रहा है तुम्हारा बाप। अरे क्या बोल रहे हो? कॉकरोच बाबूजी के? ये बाबूजी आपके कॉकरोच है? निकल निकल निकल। ये यहीं पे पकड़ो, यहां पे।
अरे यार एक ही चीज है जिससे मैं डरता हूँ, कॉकरोच। नहीं नहीं बड़ी मेहनत से ये चाकू इस बुड्ढे के कुर्ते में रखवाया था। ये रवि गधा पहले कुर्ते का कलर नहीं बता सकता था, अब ये सजनों का खून कैसे करे? ये जहां भी सजनों से मिलेगा मैं अपना चाकू वहां फेंक दूं, और चौबे जब सजनवा से बहस करेगा तो उसे मारने के लिए आसपास कुछ ढूंढेगा, वही मेरा फेंका हुआ चाकू मिलेगा। उस चाकू से सजनवा का काम तमाम और मेरी प्लानिंग सफल, लेकिन उसके लिए मुझे इस बुड्ढे का पीछा करना पड़ेगा। कहीं नहीं जा रहे दादाजी का जूता बन गया, कहाँ है दादाजी? अरे दादाजी अब कहीं नहीं जा रहे हैं, ये देख उनका कुर्ता उतरवा लिया हमने। ये कुर्ता? ये वो कुर्ता नहीं जो मैंने सपने में देखा था? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। देखा हमारी औलाद भी अपने आप को कितने चालाक समझते हैं, उन्होंने राशि में पड़ा और मेरा कुर्ता उतरवा दिया ये बोलकर कि भाई भाई कॉकर चढ़ गया चौकर चढ़ गया, लेकिन मैं भी उनका बाप हूँ, दूसरा कुर्ता पहन के आ गया चकाचक, अब देखता हूँ कैसे रोकते मुझे बाहर जाने से। अरे ये तो वही कुर्ता है जो मैंने सपने में देखा था। अरे हाय दया, वो खून वाला? हाँ बाबूजी, आप ये कुर्ता उतार दीजिए टर्न एंड ट्विस्ट के साथ। देखिए बाबूजी आप ये मत पहनिए, उतार दीजिए इस कुर्ते को। उतार दीजिए बाबूजी, आपके राशि फल में लिखा है ये कुर्ता आपको नहीं पहनना चाहिए। ये भानुमति सही कह रही बाबूजी, मत पहनिए ना ये कुर्ता। अनिल मेरा नाम करमवीर है, मैं कर्म पर विश्वास करता हूँ, राशि पे नहीं करता। ठीक है बाबूजी, आप कर्म पे विश्वास कर लीजिए, कर्म करके हिम्मत कर्म कीजिए इस कुर्ते को पहनने का। हाँ बाबूजी मान जाइए, बोलो ना बाबूजी को समझाओ ना, मत पहनिए ना बाबूजी, मत पहनिए बाबूजी, कुर्ते की कामना को त्याग दीजिए बाबूजी, उतार दीजिए इस कुर्ते को दादाजी प्लीज प्लीज। अरे कब बाबूजी, ये देखो बात फिर से सच हो गई। हाँ, कैसे? अरे कैसे का, इन्होंने जो सपना देखा था राशि में लिखा था कि जो सपने में होगा वो सत्य होगा, तो हो गया। वही तो, और वो भी टर्निंग ट्विस्ट के साथ। हाँ। ये कभी नहीं सुधरेंगे। हेलो सुनो भानुमती बिटिया, हम ठाकुर अमरीश सिंह बोल रहे हैं। पहला को ठाकुर काका जी, बताओ बेटा, हमारे पड़ोसी दुश्मन के एक लड़के के साथ हमारी बिटिया भाग गई है। हाय, ये तो अच्छा नहीं हुआ। सुना है वो मुंबई की तरफ भागे हैं। हाय, वो तुम्हारे घर पे ही आ रहे हैं। ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। अरे ये तो अच्छा हुआ। वो कैसे? जब वो आए तुम उनको पकड़ के रखना, हम आते ही उनके सीने में गोलियां दाग देंगे। टिचू टिचू।